ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2024 को अपनी वर्तमान वृषभ राशि में उदित होने वाले हैं। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, तो मीन राशि वाले जातकों 3 जून 2024 की शाम 3:21 पर देवगुरु अष्ट अवस्था को त्याग कर वृषभ राशि में उदित होने वाले हैं और 9 अक्टूबर 2024 तक ये वृषभ राशि में प्रबल शक्तिशाली अवस्था में गोचर करने वाले हैं। गुरु के उदय होने से जहां कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मकता मिलने वाली है, वहीं कई राशि वाले जातकों के जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी मिलने वाला है। मीन राशि वाले जातकों स्वयं आपके राशि के ही स्वामी माने जाते हैं, तो आपके जीवन में गुरु उदय होकर कैसा प्रभाव आपको देंगे, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, 12 वर्षों के बाद देव गुरु 1 मई 2024 को जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश किए, तो वृषभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य के अत्यधिक नजदीक रहने की वजह से ये अस्त भी हो गए। तो जो इनका प्रभाव देने का बल था, जो इनकी क्षमताएं थी, वो काफी कमजोर अवस्था में थी और इसकी वजह से मीन वालों को भी समस्याएं हो रही थी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी और आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु माने जाते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपके राशि के स्वामी हैं और अस्त अवस्था में थे, तो आपका व्यक्तित्व काफी कमजोर था, आपको मानसिक रूप से लगातार भ्रम का सामना करना पड़ रहा था। मीन राशि वाले जातकों के मन में असमंजस की स्थितियां लगातार आपको बन रही थी। कर्म क्षेत्र के मामले में उतार चढ़ाव, चुनौतियां और करियर के मामले में ज्यादा मेहनत के बावजूद भी आपको परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा था। और बहुत सारे जातकों के ऊपर वर्तमान में चूंकि 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, शनि आपके द्वादश भाव से गुजर रहे हैं और आपके राशि के स्वामी भी अस्त अवस्था में पिछले 1.5 महीने से चल रहे थे, तो आपको परिवार में काफी ज्यादा भाग दौड़ का सामना करना पड़ा, पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। अब मीन राशि वाले जातकों, आपके जीवन में कैसा प्रभाव आपको गुरु देंगे, इस वीडियो में अब हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले तो हम आपको ये बता दें कि देवगुरु बृहस्पति को आखिर इतना शक्तिशाली ग्रह क्यों माना जाता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में भाग्य, दर्शन, नियम, संतान, वैवाहिक जीवन और बड़े भाई का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर गुरु का विशेष प्रभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में अनुकूल अवस्था में विराजित होते हैं तो जीवन में मान सम्मान देते हैं, करियर में सफलता देते हैं, संतान की उन्नति, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करने का काम करते हैं। और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु की अवस्था खराब हो, तो अगर पुरुषों की कुंडली में गुरु कमजोर होते हैं, कमजोर होने का मतलब यह है यदि सूर्य के द्वारा अस्त हो जाए या अपनी नीच राशि में मौजूद हो जाए या देवगुरु बृहस्पति शनि राहु केतु के आधिपत्य में हो, तो ये कमजोर माने जाते हैं। तो जब ये कमजोर होते हैं तो कर्जों का सामना विशेष रूप से पुरुषों को करना पड़ता है, धन की कमी जीवन में हमेशा बनी रहती है। गुरु की कमजोर अवस्था महिलाओं को वैवाहिक उतार चढ़ाव देती है और महिला वर्ग को वैवाहिक विलंब का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शरीर में कई प्रकार के असाध्य रोग जैसे डायबिटीज की समस्या होती है, पेट में समस्याएं होने लगती है और गुरु के कमजोर होने पर मानसिक विकार का सामना, थायराइड जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसका आपके जीवन में यानी मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है आपके लिए बहुत ही खास है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें।
3 जून 2024 को देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के तीसरे भाव में उदित होने वाले हैं। इनकी पंचम दृष्टि आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर जाने वाली है, सप्तम दृष्टि आपकी राशि के भाग्य भाव पर जाने वाली है और नवम दृष्टि मीन राशि वाले जातकों के लाभ भाव पर जाने वाली है। तो सबसे पहले गुरु के उदय होते ही मीन राशि वाले जातकों का मनोबल बढ़ने वाला है, यानी पिछले समय में जो आपके अंदर लगातार कॉन्फिडेंस की कमी लगातार आपके जीवन में बनी हुई थी और इसकी वजह से आप अपने जीवन में काम तो शुरू कर रहे थे लेकिन काम अपने जीवन में आप बीच में ले जाकर छोड़ रहे थे, तो गुरु आपके पराक्रम भाव पर एक्टिवेट होने वाले हैं, तो आपका मनोबल और आपका संघर्ष की जो अवस्था है उसमें वृद्धि होने वाली है। संघर्ष करने की जो क्षमता है, संघर्ष से लड़ने की जो क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मकता और सफलता की संभावना विशेष रूप से आपको देखने के लिए मिल सकती है। मीन राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में गुरु जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप वर्तमान में टीचर हैं, वकील हैं, संपादक हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में आपका जुड़ाव है या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, कथावाचन, मठाधीश, महंत, पुजारी, इन सभी क्षेत्रों में जो भी जातकों का जुड़ाव है उनके लिए काफी सफलता इस समयावधि में मिलने वाली है। गुरु सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को प्रभावित करने वाले हैं, तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का भी सहयोग आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संबंधों को लेकर भी चल रही विसंगतियों से निजात मिल सकती है। जो जातक पारिवारिक जीवन में लगातार अड़चनों का सामना कर रहे हैं, इस समयावधि में आपके जीवन में घर के बड़े सदस्यों का भी आपको सहयोग मिलेगा और मीन राशि वाले जातकों के जीवन में परिवारजनों का भी विशेष सहयोग मिलने वाला है। और इस समयावधि में देवगुरु का जो दृष्टि है दर्शकों, नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। तो मीन राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में धन की कमी बनी हुई है, धन के मामले में वृद्धि आपको इस समयावधि में जरूर मिलेगी, यानी आपके जीवन में गुरु धन का फ्लो बनाने वाले हैं, धन की रफ्तार आपके जीवन में तेज करने वाले हैं और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी आपको काफी ज्यादा समस्याओं से निजात मिलने वाली है। जिन जातकों का वैवाहिक जीवन में जुड़ाव है उनके लिए यह समय काफी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिल सकता है। अब मीन राशि वाले जातकों को सावधानी क्या रखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि शनि की नीच दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ रही है, तो मीन राशि वाले जातकों इस खास बात का ध्यान रखें कि शनि का जो एक्सपेक्ट है, शनि का जो प्रभाव है वो भी आपके जीवन में आपके ऊपर हावी है, इसलिए जो आपकी वाणी है वो काफी कड़वी हो सकती है। इस समयावधि में यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप अपने जीवन में एक खास बात ध्यान रखें, मौन रहना भी एक बहुत बड़ा हथियार है, मौन रहकर भी आप किसी इंसान को जवाब दे सकते हैं, इसलिए मीन राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को दूसरी खास सावधानी ये आपको रखनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में आपको अच्छा और गहरा अनुभव जहां से भी मिले उसको आपको तुरंत अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए, यानी आपके जीवन में इस समयावधि में अच्छे अनुभवों को आप प्राथमिकता दें तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा होगी। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मीन राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन यदि आप केले के पौधे के समीप देसी घी का दीपक जलाते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में काफी शुभता मिलने वाली है। वर्तमान में यदि आपके ऊपर जुपिटर यानी गुरु की महादशा चल रही है और आपकी मीन राशि है और गुरु आपके जीवन में बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को गायों की सेवा जरूर करनी चाहिए।
बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं और यथा उचित यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या वर्तमान में चल रही है आप हमें जरूर बताएं। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।